तो हम लोग आज अलकायन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड गिव्स इथाइन। याद है केमिकल बॉन्ड में सबको याद है, ये मैंने बताया था आपको कि कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाले, मैंने इसी तरह पढ़ाया था, याद करो। यस सर, यस सर, याद करो, याद करो सब लोग जी सर। और सी टू टू माइनस में आपको मैंने बताया था ना सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। अरे बोलो आया ना? यस सर। आप समझ में आया कि ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया होगा? आप देखो दो दो एच प्लस इससे निकलेगा तो एक एच प्लस इसके साथ, एक एच प्लस इसके साथ इथाइन, दो ओ एच सी ए प्लस टू के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि सर ये कैसे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो इसके स्ट्रक्चर पर भी गौर कीजिए। कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। या जल्दी करें। अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं हो सकता है भूल जाऊं, प्लस एम माइनस एम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पढ़ के रखिएगा कल के लेक्चर में, सुना सारे लोग? यस सर। हाँ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि वो सब मैं बताऊंगा नहीं दोबारा। प्लस एम माइनस एम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग, ये चार पांच कंसेप्ट जो पूरा प्लस एम माइनस एम में जितना पढ़ाया गया सब पढ़ के आ जाएंगे। और हाइपर कंजुगेशन, ये दो टर्म्स कल पढ़ के आइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा। सुना एवरी स्टूडेंट? यस सर। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की क्या पहचान है, मेटा की क्या पहचान है, एक्टिवेटिंग क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, कौन ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है बट स्टिल एक्टिवेटिंग नहीं है, जैसे आपने पढ़ा है। ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपको लेक्चर समझने में आसानी होगी। चलिए आप देखिए सारे लोग, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड बहुत आसान है, मैं पढ़ा चुका हूँ, डीहाइड्रो हेलोजेनेशन। देखिए नोट्स में डीहाइड्रो हेलोजेनेशन में दो बात बताई थी, अगर अल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रो हेलोजेनेशन कराइएगा तो अल्किन बनेगा और विसिनल डाइहैलाइड का कराइएगा तो अल्काइन बनेगा। देखिए डीहाइड्रो हेलोजेनेशन ऐसे लिखा है। यस सर, यस सर, हाँ डीहाइड्रो हेलोजेनेशन और विसिनल डाइहैलाइड, बस बहुत आसान है, कोई ये नहीं है, टफ नहीं है। नीचे लिखिए व्हेन विसिनल डाइहैलाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक क्यूएच या सोडियम अमाइड गिव्स प्रोड्यूसेस अल्काइन। इन सब में कोई टफ नहीं है, आपको CH2Cl दे देगा CH2Cl, आपको अल्कोहलिक KOH। देखिए सारे लोग पहले क्या काम करें, एक से हाइलोजन तो दूसरे से बीटा हाइड्रोजन, मान लो एक से बीटा हाइड्रोजन हटाए, देखो यहाँ सारे लोग तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे बोलो। यस सर। इससे हाइलोजन, अल्फा से हाइलोजन तो दूसरे से हाइड्रोजन, ये दो स्टेप प्रोसेस फर्दर NaNH2, फिर भाई बताओ अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन, तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन। हाँ
दोनों सेम रिएजेंट भी ले सकते हो, अलग अलग करके भी दिया रहेगा। तो बस यही है कि आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा तो कोई भाई, जो मैंने पहले दिन पढ़ा दिया था आपको, जैसे अल्किन की शुरुआत हुई थी कि हम पूरे ऑर्गेनिक में कैसे समझें कि इलिमिनेशन है, तो यही है। आपको ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपको रिएक्शन पहचानने में आसानी होगी। फिर मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा ना, हाइड्रोकार्बन खत्म होने दीजिए, उसके बाद कैसे रिएक्शन को याद करेंगे उसकी एकदम पूरी आधा आधा घंटा हर दिन प्रैक्टिस होगी, इससे कि पूरा रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। सुना सारे स्टूडेंट? Yes, हाइड्रोकार्बन के खत्म होने के बावजूद भी क्लास चलती रहेगी आधा पौन घंटा की, कि आपका रिवीजन भी होगा और ये हाइड्रोकार्बन पर पूरा कमांड हासिल हो जाएगा। सुना? Yes, sir. बाकी आपकी मर्जी है, आप आए ना आए, हमारा काम है पढ़ाते रहना। तो जैसे इतना रिएक्शन को हम कैसे याद करेंगे, ये सिर्फ है कन्वर्जन प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। ये सब दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म होने दीजिए, क्योंकि इसके बाद इस बैच में तो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। लिख लिया सर अभी तक आपने? एक रहा ये नहीं, ये है फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये दूसरा है। Done, sir. कभी क्या किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी दे सकता है, 2 moles ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज हीट। तो कुछ नहीं कीजिए, ये मैकेनिज्म में लास्ट में क्या पता चला आपको कि एक हैलोजन एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन हटा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लो। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ, ये पूरा डिटेल में बता दिया गया, डायरेक्ट भी आपको ऐसे भी दे सकता है। CH3CHBr। हाँ, अगर आपको ऐसे दे दे अल्कोहलिक क्यूएच एक ही मोल दे तो तुम दो स्टेप में कर सकते हो, NaNH2 हीट बी। तो बताएगा कोई, कोई कहेगा ए बताओ तो कोई बात नहीं, एक हार्ड तुम्हारे ऊपर है कि अब आपको हाइड्रोजन हटाना है, किसी से भी हटा दो। मान लो यहां से हाइड्रोजन हटा, यानी आप हाइड्रोजन हटा दिए, समझा कि नहीं, तो क्या बचेगा जल्दी बताओ। बोलो ना सर। CH3CHBr डबल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Br डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। हाँ या ना जल्दी बता दो। यस सर। तुम्हारे ऊपर है, अगर यहाँ से Br हटाओगे तो हाइड्रोजन इधर से, अगर इससे अब B क्या हो जाएगा, फिर बताओ, एक Br इससे तो एक हाइड्रोजन इससे, CH3C CH। Did you understand? बोलो ना। Yes sir. Yes sir. हाँ yes. Yes sir. By product तुम लिख सकते हो NaBr plus ammonia। या तो 2 mole NaNH2 दे दे, direct कर देना, 2 mole alcohol से direct कर देना, हो सकता है ऐसे भी दे तो आपको आना चाहिए। लिख लिया तो बताइए। यस सर। तो मैं कंफ्यूजन दूर करा दूं, कंक्लूजन, विसिनल डाइहैलाइड का 2 रिएक्शन हो गया। अगर जिंक के साथ हीट करोगे तो अल्किन बनेगा, पढ़ चुके हो, इसको कहते हैं डीहैलोजनेशन। और 2 अल्फा कोहलिक कैसे करोगे
तो अल्काइन बनेगा कि कंफ्यूजन ना रहे. दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजनेशन और दिस इज कॉल्ड डीहैलोजनेशन. पढ़े और कि नहीं दोनों, जल्दी बताओ. यस सर. हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग बातें हैं. रिएजेंट चेंज होने से रिएक्शन चेंज हो गया, दिस इज कंक्लूजन. सर आपने जो ऊपर लिखा है उसमें टू के बाद क्या लिखा है? अच्छा जिंक. जिंक जिंक पढ़ी नहीं है? पढ़ी है. अरे जिंक पढ़ा नहीं है? डीहैलोजिनेशन. यस सर. यस हाँ लिख लिया तो बताइए. यस सर. चलिए इसकी प्रिपरेशन दो ही पढ़नी ही है किसी भी सिलेबस में. अब टॉपिक डालें केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला एसिडिक नेचर. कुछ रिएक्शन इसकी एसिडिक नेचर की वजह से होंगी. तो आपको मालूम है इन अल्काइन कार्बन इज एसपी हाइब्रिडाइज. हाँ या ना, जल्दी बताओ. यस सर. तो sp hybridized हो जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस आई इफेक्ट आ जाता है उसमें. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. तो यही आपको बताया जा रहा है कि इस फैक्टर आने की वजह से तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट अल्काइन इज एसिडिक इन नेचर. तो अल्केन और अल्कीन और अल्काइन में ये याद रखिएगा, अल्काइन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. क्यों होता है? तो एस करेक्टर ज्यादा होगा. तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा. माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा तो एस करेक्टर हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. आगे बढ़ें. यस सर. अब आपको पहली बात यह है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में पहला है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दूसरा है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, तीसरा है सी एस थ्री सी एस थ्री. तो आपसे कोई पूछेगा तो बताओ मोर एसिडिक कौन हो गया? ए फिर बी फिर सी. बताओ यहाँ एस पी है कि नहीं? माइनस आई. Yes, अरे बोलिए यहाँ एस पी टू है. ये तो ऐसे भी एसिडिक नहीं है. समझ में आया सबको? आया कि नहीं? देखिए लिख लिया तो बताइएगा. डांसर. अच्छा एग्जांपल टू सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री. ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर बताएं. ए बी सी. हाँ
सबको समझ में आया ए बी सी? अरे बोलिए। यस सर। गुड। एग्जाम्पल थर्ड, बेंजीन, इथाइन, सी एन हेक्सेन। तो बी फिर ए फिर सी। यस सर। बेंजीन में डबल बॉन्ड है ना? जी सर। हाँ, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब एक नोट गौर से सुनो अच्छे से। अल्क, ये सुनो वर्ड, अल्क वन आइन is acidic in nature due to minus I effect as well as presence of, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था टर्मिनल बिर्च रिडक्शन में टर्मिनल हाइड्रोजन। अल्क वन आयन का मतलब इथाइन प्रॉप वन आयन, ये सब। लेकिन अल्क टू आइन जो होगा ना, जहां पर भी अल्क टू आइन होगा वो एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जैसे यहाँ देखो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, एस करेक्टर तो है माने सा, अब हाइड्रोजन है ही नहीं है, एच प्लस कैसे रिलीज करेगा? कोई कहेगा ये नहीं, ये तो SP3 का हाइड्रोजन है, हमें टर्मिनल हाइड्रोजन चाहिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन चाहिए। तो हर अल्काइन एसिडिक नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूं अल्क टू आइन, ब्यूट टू आइन, पेंट टू आइन, जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, लाख एस करेक्टर हो भाई, एसिडिक कौन होता है? एच प्लस भी तो रिलीज करिए। तो अल्क टू आइन इज लेस एसिडिक या नॉट एसिडिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिए। सबको समझ में आया ये? तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला था एसिडिक नेचर। इसकी कुछ रिएक्शन देखिएगा अभी, एसिडिक नेचर की वजह से होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कल के लेक्चर में आप लोग बेंजीन प्लस एम माइनस एम पढ़ के आइएगा, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, तो आपको और मजा आएगा समझने में। एक्टिवेटिंग प्लस एम माइनस एम जीओसी में पढ़ा दिया गया, लिख लिया। यस सर। लिख लिया एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखो, इस एसिडिक नेचर की वजह से इसका पहला रिएक्शन है, बहुत आसान है, रिएक्शन विद सोडियम। खुद सोचो, जो एसिड होता है वही तो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। यस सर। हाँ सर। तो हाँ, तो व्हेन अल्काइन कंटेनिंग, हर अल्काइन नहीं करेगा, व्हेन अल्काइन कंटेनिंग टर्मिनल हाइड्रोजन, लिखना शुरू करें टर्मिनल, अब बहुत आसान सब है, टर्मिनल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सोडियम, रिएक्ट्स विद सोडियम प्रोड्यूसेस सोडियम अल्काइनाइड, सोडियम अल्काइनाइड, सोडियम एक तरह का सॉल्ट होता है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड।
बताइए, लिख लिया एवरीवन? देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस सोडियम दिया, कुछ मत करो ऐसे सर, भी वो लास्ट स्लाइड। ओके ओके तो आपको सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एन है बस, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। इसको कहेंगे दो कार्बन है सोडियम, देखो प्लस माइनस सोडियम इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड। अगर यहां पर दो सोडियम अगर दे दे तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। वही है डाइसोडियम इथाइनाइड। आपको सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए प्लस हाफ एस टू। ये सब एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन हो रहा है, सोडियम प्रोपाइनाइड। अगर आपके पास सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री है, अब बताओ यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यस सर। निकलिया सारे लोग? यस सर। नो सर, एक मिनट। सुनो यहां पर कंक्लूजन लिखो, देखो द रिएक्शन ऑफ alkyne with sodium is used as chemical test to distinguish between alk one ion alkyne। आपको लैब में दो अल्काइन दे देगा, बताएगा बताओ किसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो आप सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें। गैस जब रिलीज होगी तो आवाज के साथ आएगी कि नहीं बताओ, हाँ या ना? सोडियम, हाँ, तो वही सोडियम का स्ट्रिप दोगे तो अगर हाइड्रोजन गैस आ जाए तो समझ जाना, जैसे कैसे आपको टेस्ट देगा ब्यूट वन आइन वर्सेस ब्यूट टू आइन, वही आप कहना है ये रिएक्शन। यस, वही कहना, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एस टू गैस इज रिलीज्ड विद सोडियम, इसमें लिखना है नो एस टू गैस इज रिलीज्ड, एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। गुड, बहुत अच्छे आदमी आप, लिख लिया सारे लोग? यस सर। सर एक मिनट। हाँ लिखिए लिखिए।
डन सर। अब ये तो हो गया एसिडिक नेचर। दूसरा आपको मैं पढ़ा चुका हूं इसी अल्किन में कि अल्किन और अल्काइन का मेन करैक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुनो सारे लोग, अल्काइन आल्सो शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन due to more pi electron density। अब मैं यहीं पर आपको ये बताने वाला हूं, तुम्हें कोई कहेगा कि अल्कीन है आपके पास और अल्काइन है, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है? अरे कोई बोली नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में? नहीं सॉरी, अल्कीन सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, डबल बॉन्ड में कि ट्रिपल बॉन्ड में? ट्रिपल। ट्रिपल, क्योंकि तीन दुना छह पाई, पाई दो दो, यहाँ एक ही पाई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है? एक बंदा कह रहा है डबल बॉन्ड, अरे बताओ सारे ट्रिपल 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 बॉन्ड, ये तो दिखने में लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड, अरे बोले। अच्छा अब बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसलिए आपने पढ़ा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ तो एडिशन है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अल्किन और अल्काइन शोज ये पढ़ाया जा चुका। अब बात आएगी कि सर अल्किन ज्यादा रिएक्टिव होगा कि अल्काइन, तो गौर से सुनो, दिखने में तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, लेकिन ये जो बिहारी है ना वो बहुत बखील है, कहते ना पैसा है देना नहीं चाहता है, उसका रीजन है। तो आपसे पूछेगा अल्किन और अल्काइन में अल्किन इज मोर रिएक्टिव, अल्किन इज मोर रिएक्टिव In spite of presence of more pi electron density around triple bond, बहुत सारे reasons हैं, बहुत सारे। पहला कि pi electron तो है लेकिन ये carbon sp hybridized है, pi electron tightly held by the nucleus, पैसा है bank में रखे हुआ है, tightly held by the nucleus, not easily available for electrophile. Therefore, alkyne becomes less reactive than alkene towards electrophilic addition. Did you understand? Yes, sir. Electron density zyada hai, but more s character ki wajah se, its pi electron tightly held by the nucleus. Not easily available for electrophile. Did you understand, everyone? Yes, sir. Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, अरे बोले सारे लोग मिलके, समझ में आया? Yes, sir. हाँ. दूसरा रीजन केमिकल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल रिएक्टेंट मोर स्टेबल, रिएक्शन विल स्लो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तीसरा रीजन, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मान लो HCl के साथ कराए, तो तुमको मालूम है H प्लस अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, डबल बॉन्ड में ये कार्बोकेटाइन बना, ट्रिपल बॉन्ड में अगर H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, प्लस आई, यहां S करेक्टर माइनस आई, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल रिएक्शन वुड बी फास्टर, इसलिए अल्काइन का इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, इसलिए अल्काइन लेस रिएक्टिव। बहुत सारे तीन रीजन मैंने अभी सुना दिया आपको, सुना सारे लोग? पहला रीजन पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, दूसरा रीजन सी ट्रिपल बॉन्ड, सी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, चौथा तीसरा रीजन अल्काइन गिव्स लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। इस तमाम रीजन की वजह से अल्काइन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद इट इज लेस रिएक्टिव। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो अब आपसे मैं यहाँ लिखा दूँ,
लेकिन ऐसे कोई पूछे एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्या लिखा है, आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि आप किस रिएक्शंस की बात कर रहा हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी चेक करना हो तो एल्कीन होगा। अभी मैं बताऊंगा कि जब तुम पढ़े हो ना हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एल्केन बनता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने ऑर्गेनिक में भी जीओसी में पढ़ाया। यहां पर देखो ये एल्काइन इसमें ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? यहाँ दो मोल हाइड्रोजन ऐड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ एक मोल है तो ये भी याद रखना। ये नहीं कहना एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव, कहिए किस बिहेवियर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर शो करेगा तो एल्कीन मोर रिएक्टिव होगा इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर पाई इलेक्ट्रॉन अराउंड ट्रिपल बॉन्ड। बट हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की बात होगी तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वहां भीड़ कम है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बल्किल ग्रुप कम है, बल्किल ट्रिपल बॉन्ड है तो हल्का हल्का ग्रुप है तो हाइड्रोजन आसानी से ऐड होगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन बढ़ गया, इनकमिंग हाइड्रोजन को आने से रोकेगा। सुना सारे लोग? यस सर, बोलो ना। हाँ हाँ, तो ऐसे कोई पूछे एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्या एल्काइन, आपका ये किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं तो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं तो वो अलग मैकेनिज्म है, वो एल्काइन मोर रिएक्टिव होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब लिखिए एल्काइन, इसी के आगे लिखना शुरू करते रहिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर पाई इलेक्ट्रॉन अराउंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir, done. तीन रीजन, तीनों लिखा दिया आपको मैंने, हाँ या ना जल्दी बताओ। लिख लिया? No, sir, one second, sir, please. नहीं लिखिए, आराम से लिखिए, नो प्रॉब्लम, आराम से लिखिए। Done.
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो देखिए अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शुरू करेंगे। सबसे पहला लिखिए एडिशन ऑफ एच एक्स, तो लिखिएगा अल्काइन फॉर्म्स, समझा कि नहीं, जेमिनल डाइहैलाइड। अल्काइन कौन सा, एक मिनट रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे होगा, पहले लिखना नहीं है, यहां गौर से सुनिए। मैकेनिज्म वही है, एच बी आर है, देखो लिखना मत, ये तो सिमेट्रिकल है, तो किसी पर एच और किसी पर बी आर जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। ठीक, ध्यान देना, सारे लोग सुना, तो सी एच टू हो जाएगा, देखो स्टेप वाइज डबल बॉन्ड सी एच बी आर, फर्दर दो मोल, जब उस वक्त तक होगा जब तक एडिशन का मतलब ही होता है कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज होगा, तो दो मोल ऐड होगा। अब देखो अब ये अनसिमेट्रिकल बन गया, इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, हेलो एवरीवन। यस सर। अब यहाँ मार्कोनिकोफ रूल लगाओ, मार्कोनिकोफ रूल, तो सी एच थ्री सी एच बी आर, इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जब दो सेम हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर हो, तो वही मैं लिखने वाला था, जेमिनल डाइहैलाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? yes, एक होता है विसिनल, विसिनल, तो टू सेम हैलोजन ऑन सेम कार्बन, इसको हम कहते हैं जेमिनल। और एडजेसेंट कार्बन पर होता है तो उसको हम कहते हैं विसिनल, विसिनल। या एनी प्रॉब्लम? वही अल्काइन फॉर्म्स जेमिनल डाइहैलाइड, लिखिए सारी मैकेनिज्म वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। डन सर। थैंक यू, सब लोग लिख लीजिए पहले। आगे बढ़े। yes, sir. अब देखो जैसे तुम्हारे पास दे दिया सी एस थ्री सी, मैंने इसलिए कहा था ना अल्किन पर हो गए तो खुद ब खुद, अब यहाँ पहले ही स्टेप में मार्कोनिकोफ लगेगा, हाँ या ना, अनसिमेट्रिकल है, बोलो yes, हाँ या ना। yes, हाँ, तो सब का ख्याल रखोगे, पहला स्टेप गलत तो सब स्टेप गलत हो जाएगा, मार्कोनिकोफ, इसलिए अब इसमें कुछ है ही नहीं है, मैंने इसलिए कहा अल्किन पर हो गए, सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। डबल बॉन्ड सी एस टू, फिर फर्दर एच बी आर वही है जेमिनल, फिर एच जो होगा फिर उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इस पर चला जाएगा। देखो जेमिनल यहां भी बन रहा है कि नहीं? यस। सारे लोग? यस सर। यस सर। डन। दूसरा ये याद करो, आप वाटर का एडिशन किए थे कि नहीं, अल्किन में तो अल्कोहल बना था, बोलो। जी सर। अब यहां लिखो वही बात वही होगी, कैटेलाइज्ड
हाइड्रेशन ऑफ अल्किन सॉरी अल्काइन कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ बताओ अल्किन में कैटलिस्ट क्या लिया गया था डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ हाँ या ना yes, sir. लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा लेंगे रीजन वही अल्काइन इज लेस रिएक्टिव एंड HGSO4 गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन वहां अल्कोहल दिया यहाँ एल्डिहाइड यही सब अब दोनों को एक साथ पढ़ो अल्किन का हाइड्रेशन अल्कोहल देगा अल्काइन का हाइड्रेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन देगा अल्कीन जिसने नहीं पढ़ेगा फिर उसको मैकेनिज्म सही से नहीं समझ में आएगी लिख लिया सारे लोग वेट सर कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HGSO4 एंड HGSO4 भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड नहीं है तो हम हेवी ट्रांजिशन मेटल HGSO4 लिख अल्कीन चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो वहां सिर्फ डाइल्यूट HGSO4 से काम चल जाएगा आगे बढ़े यस सर यस सर अब चलो इसकी मैकेनिज्म को समझो सारे लोग सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है वाटर है आपको एग्जामिनर दे देगा H2SO4 HGSO4 देखो पहले तो वही H प्लस आएगा OH माइनस आएगा एक पर H एक पर OH डिड यू अंडरस्टैंड तो देखो सी एच ओ एच एंड डबल बॉन्ड सी एच टू गौर से सुनो मैं नीचे लिखता हूं ध्यान देना लिखने में मत रहना गौर से सुनो केमिस्ट्री ये कहता है कि जिस कार्बन पर OH हो कुछ स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इसमें किसी कार्बन पर OH हो और एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ये फॉर्म कहलाता है एनोलिक फॉर्म क्या कहलाता है जल्दी बोलो एनोलिक फॉर्म और ये अनस्टेबल होता है ये जल्दी से चाहता है कि हम स्टेबल में कन्वर्ट हों तो कन्वर्ट का तरीका यह है कि हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सचेंज होती है तो जैसे हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और डबल जो था वो सिंगल हो जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड इसको और ये क्या yes, sir, yes, sir. हाँ तो क्यों रीजन ये है अब कोई कहेगा क्यों ऐसे होगा रीजन ये है बिकॉज मैं रीजन के साथ बता रहा हूं बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ आप केमिकल बॉन्ड में CO का बॉन्ड एनर्जी का डाटा देखें लिखा हुआ NCERT में ज्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C इसलिए C डबल बॉन्ड C जल्दी से C डबल बॉन्ड O में चला गया तो ये होगा अब देखो सारे लोग केमिस्ट्री ने इसको कहा है आइसोमेराइजेशन होना ये एनोलिक फॉर्म है हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सचेंज बताओ ये क्या बन जाएगा CH3 हो जाएगा बोलो हाँ या ना डबल डबल सिंगल में और यहाँ देखो एल्डिहाइड बन रहा है ना हेलो एवरीवन देखो H तो पहले से था ही C डबल बॉन्ड यही 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 फॉर्म हो गया एनी प्रॉब्लम नो सर इसको कहेंगे एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये याद करो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन देता है एल्डिहाइड और कीटोन यस सर यहाँ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इसलिए घर पर आराम से पढ़ो सी डबल बॉन्ड इसलिए मैं कहना सिलेबस के बाद मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवीजन कराऊंगा हाइड्रोकार्बन वो रिवीजन करने के बाद मोर क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस अब घर पर अल्कीन और अल्काइन को एक साथ पढ़ो अल्कीन का हाइड्रेशन अल्कोहल दिया एक पर एच एक पर OH डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज ट्रिपल बॉन्ड जब हाइड्रेशन करेगा तो पहले इनॉल फॉर्म बनेगा फिर इसका आइसोमेराइजेशन होकर एल्डिहाइड कीटोन बनेगा दोनों को एक साथ पढ़ें उसी तरह अल्कीन का HBr के साथ होगा तो आपको मालूम है मार्को निकॉफ लगेगा कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ में रीअरेंजमेंट हो सकता है डायरेक्ट एक पर Br एक पर H आ जाएगा यही ट्रिपल बॉन्ड का HBr के साथ या ClHi के साथ करेंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा डिड यू अंडरस्टैंड यस सर तो दोनों को एक साथ पढ़े तो आपको 5 मिनट में अल्कीन और अल्काइन दोनों का रिएक्शन याद हो जाएगा सबको समझ में आया एक दफा और समझें दोबारा समझें CH3 सारे लोग सुने ट्रिपल बॉन्ड वाटर दे देगा
H2SO4 दे देगा, डाइल्यूट H2SO4, और नीचे लिख देगा Hg+2, बतवा बराबर है Hg+SO4। अब बता पहले ही स्टेप में यहाँ मार्कोनिक आउटपुट लगेगा ना, पॉजिटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस। तो अब C पर OH डबल बॉन्ड CH2, बताओ क्या ये एनोलिक फॉर्म है? एक पर OH एडजेसेंट कार्बन, हाँ, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड, वो कीटोन बन गया कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे सबको समझ में आया? yes, हाँ या ना? समझ आ गया सर। अरे आसिया यामना बैठ के क्या कर रही है, समझ में आया AJ? yes, sir, आ गया। yes, sir, आ गया सर। हाँ लिखें, स्वास्थ्य को आया कि नहीं अल्लाह मालूम। यहाँ देखें भाई, ये लिख लिए थे, चलो अब ये लिखो। तो अल्काइन का हाइड्रेशन जो होता है वो अल्डिहाइड और कीटोन देता है, अल्कीन का जो हाइड्रेशन है वो अल्कोहल देता है। कल समझिए ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है हाइड्रोकार्बन की, लेकिन हाइड्रोकार्बन का आइसोमर पार्ट नहीं पढ़ाया गया है, तो मंडे को आइसोमर पार्ट होगा। लेकिन मंडे से हम 15 मिनट 20 मिनट हाइड्रोकार्बन डिस्कशन करेंगे, सुना सारे लोग? क्योंकि जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन कराने में आसानी होगी, उसी से आपका रिवीजन होगा। तो 15-20 मिनट आपको उसका पेज अलग से बना लीजिए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं आना, इसी क्लास में डिस्कशन होगा। क्योंकि अब ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही हो गया, तो मंडे से 15-20 मिनट हम लोग हाइड्रोकार्बन डिस्कशन करेंगे, और वो अलग से पेज पर अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहां पर एंड होगा उसके आगे से आइसोमर वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो मंडे से फिर से डिस्कशन होगा, सुना सारे लोग? यस सर। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अल्केन और अल्कीन, अल्केन अल्कीन पढ़ लिया तो समझिए अल्काइन भी आ गया, ये तीनों को एक साथ पढ़ के आना है मंडे को, कि मुझे कन्वर्जन क्वेश्चन सब कराना। मैं चाहता हूँ पहले पूरी रिएक्शन फिंगर पर याद हो जाए, कि कोई भी पूछे कहीं से आपको याद हो जाए कन्वर्जन कैसे क्वेश्चन सब आएंगे, उसी से प्रैक्टिस होगी ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक एक दफा पढ़ने से नहीं होता है, रफ पेपर पर प्रैक्टिस से होता है। लिख लिया सारे लोग ये वाला स्लाइड? यस सर। नो सर, हाँ, जिसको शुरू से पढ़ना है तो 2:30 बजे चल रहा है, संडे को सुबह 8:30 बजे भी क्लास है, नोमेनक्लेचर हो रहा है, जिसको करना है। स्वस्ती है बेचारी जानवी है, जिसको आना है, नहीं आना तो अपना वीडियो लेक्चर को देखती रहे। अब तो नेक्स्ट सेशन से तो स्कूल तो खुल ही रहा है। अब लिख लिया सारे लोग? एक मिनट सर। हाँ लिखें, अब मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बना के दिखाइए। और नाम के साथ, जैसे इसका नाम 1-2-3 प्रोपेन 2-ON है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में नाम लिखकर दिखाइए, इसका प्रोडक्ट बनाइए, मैं देखता हूं किसको कितना आ रहा है। Thank you.
तो पहले ही स्टेप में याद आया सबको मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, अनसिमेट्रिकल है, इस पर एच, इस पर हाँ, इस पर ओ एच, सी एस थ्री सी एस टू। अब देखिए ये सब नहीं आएगा तो वो आप, मैं यही सब इसलिए मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा इस चैप्टर का, और वो भी अलग से नहीं आना कि किसी को ये लगे, 4 बजे आना है, शुरू की क्लासेस रिवीजन चलेंगी, है कि नहीं, बोलिए कि आपको, हाँ आपको ये ना लगे, असकत ना लगे, अरे दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जानबूझ के करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सिलेबस पूरा खत्म ही हो गया आइजोमर को छोड़कर, बाकी इस बैच में तो सब कुछ हो चुका है आपका, बाकी जो है वो रिड्यूस सिलेबस में है, ब्यूटेन टू ऑन। सबको समझ में आया? स्वस्ति भंडारी आपका भी आ गया होगा यही शायद, चलिए आगे बढ़े। सर अल्कोनाइन रिएक्शन नहीं करेगा ना वाटर सर? कौन? अल्कोनाइन। अल्कोनाइन? अल्कोनाइन वन नाइन क्यों नहीं करेगा? अल्क टू, मतलब सॉरी अल्क टू, सब सब करेगा तो उसमें ये कहीं भी लग जाएगा। अभी अभी बता रहे हैं ना, उसमें उससे क्या होता है, एसिडिक है, रिएक्शन तो कोई भी कर सकता है, तो एसिडिक है या नहीं वो उससे मतलब नहीं है ना। यहां देखो उसमें भी ब्यूटेन टू ऑन ही बनेगा, मार्कोनिकोफ नहीं लगेगा, जिस पर किसी पर एच किसी पर ये आ जाएगा। अरे बोलो ना, समझ गया सर। एक पर OH, डबल बॉन्ड CH2 CH3, फिर आइसोमेराइजेशन करा दो, एच का ट्रांसफर ये भी लिख लो, है वो तो एसिडिक नेचर है, वो सोडियम के साथ, चूंकि सोडियम के साथ वही रिएक्शन करता है जो एसिडिक है, एसिडिक नेचर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं हुआ? ओके समझिए, हाँ वो एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। Done, सबका हो गया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस, फिर वही बात जो तुम तीसरा पढ़े थे उसमें एडिशन ऑफ हैलोजन, जिसमें एक टेस्ट पढ़े थे रेडिश ऑरेंज कलर, याद है अनसैचुरेशन टेस्ट? यस सर। बोलो। हाँ इसमें भी वही है, इसमें देखो गौर से सुनो, ये रिएक्शन का इस्तेमाल अल्केन वर्सेस अल्कीन या अल्केन वर्सेस अल्काइन में होगा, मैं लिख भी दूंगा, तो देखो लिखना शुरू करो। व्हेन अल्काइन, हमने क्या कहा था कि अल्कीन पर हो अल्काइन दाएं दाएं हो जाएगा, सारी बातें वही हैं। फर्क हो गया, वहां विसिनल डायहैलाइड दिया था, यहाँ टेट्रा हैलाइड देगा। कौन सा हैलाइड? टेट्रा हैलाइड। हाँ देखिए कैसे, लिख लिया तो बताइए। यस सर, डन। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपको Br2 दे देगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते हैं कि वाटर अगर दे देंगे तो सब इंटरफियर कर जाएगा, तो कुछ नहीं कीजिए, मैंने क्या कहा था डबल बॉन्ड बनाओ Br लगाओ, फिर चूंकि एडिशन का मतलब ही है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में चेंज होगा, या फिर डबल को सिंगल बना दो फिर भी याद लगा दो, बताओ टेट्रा हैलाइड बना कि नहीं। हेलो एवरीवन, यस आसान तो आसान है, मैकेनिज्म समझो सब आसान लगेगा, बोलिए ना। यस सर। अब इसका अगर नाम बोले 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमोइथेन, अरे बोलो टेट्रा ब्रोमोइथेन। या सर। हाँ बोलिए सर, इसका प्रोडक्ट भी जेमिनल हैलाइड है।
नहीं जेमिनल हाँ, कहाँ प्रोडक्ट जेमिनल हैलाइड, क्योंकि दो, जो दो दो जब आएगा डाई का मतलब दो होना चाहिए ना, या चार आ गया ना, ये जेमिनल वर्ड नहीं का, जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन, ओके या टेट्रा बन गया, इसको जेमिनल नहीं बोलेंगे, ओके। जेमिनल का मतलब होता है डाई हैलाइड, विसिनल का भी मतलब होता है डाई हैलाइड, फर्क है, एडजेसेंट कार्बन पर होगा तो विसिनल, एक ही कार्बन पर होगा तो जेमिनल। जी सर, निकल गया एवरीवन, समझिए कि अल्कीन, हाँ, और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, हैलोजन अल्कीन में ऐड कराओ, हैलोजन अल्काइन में ऐड कराओ, HBr HCl HCl अल्कीन में ऐड कराओ, अल्काइन में ऐड कराओ, वाटर का एडिशन, वाटर उसमें कराओ, इसमें कराओ, निकले आगे बताइए। जी सर, अब देखिए CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तो कोई मार्गोनिक ऑफ नहीं लग सकता क्योंकि सिमेट्रिकल है रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएक्ट अल्कीन और अनसिमेट्रिकल, तभी मार्गोनिक ऑफ लगा दो, कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज कीजिए, बीआर लगाइए, डबल बॉन्ड CHBr कीजिए, फर्दर Br2CCl4 है या क्लोरीन, कुछ भी कर सकते हैं आप, बीआर लगाइए। अरे आतिफ नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? अब आइए, इसमें हम लोगों ने अल्केन वर्सेस अल्कीन का टेस्ट पढ़ लिया, अब अल्केन वर्सेस अल्काइन, वही है जो टेस्ट वहां लिखा था, वही है ये, लिख लिया? यस सर, दो सेकंड सर, डन सर, डन। देखिए केमिकल टेस्ट बिटवीन अल्केन वर्सेस अल्काइन, ये सब अपने आप में क्वेश्चन भी है, तो यही है, व्हेन लिखना शुरू कीजिए, व्हेन अल्काइन रिएक्ट्स विद Br2 इन CCl4 देन रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ Br2 सॉल्यूशन इन CCl4 क्या हो जाएगा, डीकलराइज, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डीकलराइज, डीकलराइज का मतलब यही हुआ कलरलेस हो जाएगा, पहले था रेडिश, बाद रिएक्शन के बाद कलरलेस हो गया, डीकलराइज्ड। तो आप एक रिएक्शन लिख के भी बता दीजिएगा एग्जामिनर को, मैं दो Br डायरेक्ट लिख रहा हूं, CCl4 आप डायरेक्ट टेट्रा बना दीजिएगा, लेकिन आपको मालूम है ना अल्केन हैलोजन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, याद है ये लाइन, बट यस सर, यही रिएक्शन अल्कीन वर्सेस अल्केन है, समझा, और अल्काइन वर्सेस अल्केन भी है, yes, दोनों दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, बट अल्केन डज नॉट reacts with Br2 in CCl4, तो color remains same रहेगा, हाँ, इसकी एक special reaction है, लिख लिया तो बताइए,
डन सर एक इसकी प्रॉपर्टीज होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. याद है मैंने आपको बताया था ना, कोई बता सकता है, मैं देखता हूं किसको कितना याद है. बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बता दो. बेंजीन. हाँ वेरी गुड, ये ही है ऑर्गेनिक, जिसको एरोमेटाइजेशन. अरे बोलो. Yes, और ये बहुत ही मिसलेनियस आसान है, लेकिन मिसलेनियस बहुत है, समझा. देखो व्हेन इथाइन इज हीटेड विथ रेड हॉट आयरन ट्यूब बहुत एट 873 केल्विन देन क्लोज चेन बनेगा. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एंड गिव्स बेंजीन. ये है बस एक ही रिएक्शन इसका पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत. कैसे बना वो मैं आपको सिखा देता हूं. लिख लिया तो बताइए. लिख लिया था? यस सर. यस सर. तो वही है, आपको एग्जामिनर दे देगा 3 मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं. आयरन लिख देगा 873 केल्विन, तो आप बेंजीन बना दीजिए. मैंने कहा था ये स्पेशल रिएक्शन है, इसमें आप समझने के लिए अगर चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं. है कि नहीं, जल्दी बताइए. अरे बोलिए ना. यस सर. हाँ ये सब है, देखिए ये सब है कि स्पेशल है, आपको लर्न. अब चलिए, अब मैं ऑलमोस्ट हाइड्रोकार्बन खत्म एक्सेप्ट आइसोमर. अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे अंदाजा होगा कि आपको मैं कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा. तो कल से, कल हाइड्रोकार्बन में अल्काइन खत्म, अब बेंजीन बाकी है आपका, समझा कि नहीं. तो आप प्लस एम माइनस एम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ये पढ़ के आइएगा, तो कल आपको बहुत जबरदस्त समझ में आएगा. अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं कि अब तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे. आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप. यस सर. लिख लिया तो बताइए. यस सर. डन.
आपको पूछेगा आइडेंटिफाई ए से लेकर जे तक प्रोडक्ट बना है। तो एच और आई के बीच में आपने ये क्या लिखा है? एन ए एन एन एस टू एन ए सोडियम अमाइड। ओके सर। देखो तुम अब तक इतना पढ़ चुके हो कि लास्ट वाला बेंजीन बनेगा आयरन और 873 कार्बन पर हो ना भाई। बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ अब देखो तो मैं इसी तरह का देखो इससे क्या होगा पूरा देखो हाइड्रोकार्बन अल्केन से लेकर अल्कीन से लेकर अल्कान सब रिवीजन हो जाएगा आपका। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो सबसे पहली बात देखो सबसे पहली बात ये क्या बनेगा CH3 कूना एसिड बेस रिएक्शन। हाँ या ना जल्दी बताओ। एसिड है H2 निकल गया है। ठीक है। अब तुम पढ़ चुके हो कि व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम देन अल्केन इज फॉर्मड। अब तुम पढ़े हो अल्केन में सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अल्केन फॉर्म होता है। उसमें मैंने ट्रिक्स दिया था कूना हट जाएगा बाकी आपका CH4 बन जाएगा। ये सब पढ़ चुके। इस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो यही सब है आपको यही सब ऑब्जेक्टिव सब में देता है कन्वर्जन। इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिया आपको 4-5 लिखकर भी आगे करके लास्ट वाला प्रोडक्ट और इनिशियली प्रोडक्ट पूछ देगा। ये तुम पढ़ चुके हो डीकार्बोक्सिलेशन ये पढ़ चुके हो तुम लोग। अब CN2 अल्ट्रावायलेट से होगा तो ये तो पढ़ चुके हो। CH3 क्या है? हाँ Cl2 है तो CH3Cl होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बोलो हाँ या ना। यस सर। सोडियम ड्राई इथर है तो वुड्स रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। क्या हो जाएगा? जस्ट डबल इथेन बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। बोलो ना सब लोग। इथेन यहाँ पर देखो वुड्स रिएक्शन हो गया इथेन बन गया। हेयर Cl2 के साथ है तो फिर हैलोजनेशन होगा तो CH3CH2Cl हो जाएगा। फिर एफ क्या है? अल्कोहलिक क्वेश के साथ हिट करते हैं तो अल्कीन बनता है CH3CH2Cl। अल्कीन में क्या ट्रिक्स दिया था? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड याद आया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन। एफ बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर Br2CCl4 तुम पढ़ चुके हो। अल्कीन में जब Br2CCl तो विसिनल डाइहैलाइड बनता है मतलब यही डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करो Br लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखो सारा चैप्टर रिवीजन हो गया कि नहीं छोटी सी रिएक्शन में ए से लेकर आई तक में। यस सर। बोल जे। यस सर। अब देखो विसिनल डाइहैलाइड फिर अल्कोहलिक क्वेश तो आज यही रिएक्शन पड़े हो। अल्कोहलिक क्वेश से करोगे तो GH है एक पर H हटाओ तो Br रखो डबल बॉन्ड कर दो CH2। अरे बोलो GHI फिर सोडियम अमाइड है तो Br इसमें से हाइड्रोजन इसमें से तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो और इथाइन को रेड हॉट आयरन के साथ करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो देखो देखो पूरी प्रैक्टिस देखो अल्कीन भी आ गया अल्कीन भी आ गया अल्काइन भी आ गया। कुछ तो बोल दो यार हाँ या ना। यस सर। हाँ तो इसी तरह मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप बस पढ़ो। लेकिन उसको पढ़ के आओगे ना कल तो कल इंशाल्लाह बेंजीन तो आप देखो बेंजीन का नोमेनक्लेचर भी मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा इसलिए कोई टाइम कल नहीं लगेगा। प्लस ए माइनस एम का एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्ट सिर्फ उसमें 5 रिएक्शन पढ़ना है हैलोजनेशन नाइट्रेशन बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कल आप देख कर आए प्लस एम माइनस एम पीछे का कोई रिलेशन नहीं पीछे का बस वही है जो प्लस है माइनस है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ के आएगा उसको अच्छे से समझ में आएगा जो नहीं पढ़ के आएगा उसको अपना नहीं ऐसे ही रहेंगे। तो मैं इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस मंडे से स्टार्ट करूंगा हाइड्रोकार्बन सीरीज। जब पूरा रिएक्शन कमांड कर लोगे तो फिर मैं अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगा। तो लिख लिया सारे लोग? अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन लिख लिए थे तुम लोग? यस सर। यहाँ पर उसका आंसर लिखो अलग से। हाँ
डन एवरीवन डन डन यस सर एक क्वेश्चन लिख लिए क्वेश्चन लिख लिए यस सर तो हैलोजनेशन हो गया तो दो प्रोडक्ट बनेंगे हमें मेजर प्रोडक्ट लेना है CH3 CHBr याद है स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है फिर बी में अल्कोहलिक क्यूएच तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ओजोनोलिसिस है तो ट्रिक्स दिया था डबल बॉन्ड को ब्रेक करो तो देखो एथेनल और मेथेनल बन गया डिड यू अंडरस्टैंड रिवीजन हो गया अरे बोलो यस सर तो हर कन्वर्जन में तीन तीन रिएक्शन चार चार रिएक्शन आएंगी तो तुम 10-12 रिएक्शन पढ़ लोगे तो 40 रिएक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी अब तुम 10 दफा पढ़ो Br2 heat अल्कोहलिक क्यों तो तुम्हें नहीं आएगा ही जाएगा एक दफा पढ़े वो फिर लगातार क्वेश्चन करोगे कि भाई हाँ लेकिन एक दफा पढ़ना पड़ेगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन क्या होता है अल्किन कब बनता है एक दफा पढ़ना अपनो कोई नहीं पढ़ेगा अब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा एक दफा दो दफा पूरे चैप्टर को पढ़ो फिर बोलो आया सबको समझ में आया तो चलिए कल आप बेंजीन शुरू होगा कल ही खत्म हो जाएगा चूंकि हमने इसका लगभग 50% पार्ट पढ़ा चुका हूँ कल प्लस एम माइनस एम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जीओसी को देख कर आए हाइपर कंजुगेशन ओके यस सर थैंक यू सर ओके